नमस्कार दोस्तों, तो आपके लिए एक बहुत ही एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन लेके आ चुका हूँ, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है ऐसा इन्फॉर्मेशन गैजेटल चैनल की तरफ से हर बार आपको सबसे पहले मिलेगा। मोटरोला G71 5G इंडिया पे लॉन्च हुआ है, बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है, नो डाउट। प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन कभी कभार वो आपको 16,000 में भी मिलता है। 16,000 पे मोटरोला G71 5G एक बहुत ही बढ़िया चॉइस है। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि मोटरोला G72 बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है, लेकिन ये जो मोटरोला G72 ऐसा मत समझना कि मोटरोला G71 का अपग्रेड वर्षन होगा। ये एक्चुअली 10,000 रुपए के अंदर जो भी स्मार्टफोन अवेलेबल है उसका अपग्रेड वर्षन की सबसे लॉन्च होगा। तो इसलिए इस वीडियो में बात करेंगे कि जो मोटरोला G71 4G नाम का जो स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है, इसका फुल स्पेसिफिकेशन, प्राइस, कब लॉन्च होगा, किस प्राइस रेंज में लॉन्च होगा, ये सब कुछ के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त का। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजेटल चैनल पर नए हैं और ऐसी स्मार्टफोन रिलेटेड एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन हर एक बार सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो गैजेटल चैनल को सबसे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो पहले तो हम बात करेंगे स्मार्टफोन के मॉडल नेम के बारे में। तो जैसे कि देख सकते हैं इस स्मार्टफोन का मॉडल नेम है XT2255-2, मतलब ये जो स्मार्टफोन बस अभी सर्टिफिकेशन साइड में आ चुका है। और इस फोन का जो इंटरनल टेस्टिंग उसका कोड नेम है Victoria 22। तो अकॉर्डिंग टू लीक्स कहा जा रहा है कि स्मार्टफोन का थिकनेस होगा 8.5 मिलीमीटर और इसका वेट होगा 185 ग्राम। मतलब इसका जो डिज़ाइन वो बहुत हद तक मोटरोला G22 के जैसा होगा। डिस्प्ले के मामले में आपको इसे मिलेगा 6.5 इंच HD+ 90Hz IPS LCD डिस्प्ले। उसके साथ आपको मिलेगा 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट। इसके डिस्प्ले का मैक्सिमम ब्राइटनेस है 89%। इसमें आपको मिलेगा 480 निट्स के आसपास ब्राइटनेस। और इसके डिस्प्ले के प्रोटेक्शन के नाम पे कहा जा रहा है कि इसमें आपको पांडा ग्लास की तरफ से प्रोटेक्शन मिलेगा। तो मतलब हम कह सकते हैं कि प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसका जो डिस्प्ले वो ठीक ठाक क्वालिटी का है। प्रोसेसर की अगर बात करें, अभी करेंटली मोटरोला का सबसे फेवरेट प्रोसेसर जो कि हीलियो G37 वही प्रोसेसर इसमें आपको मिलेगा। कैमरे में आपको मिलेगा 8 और 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, उसके साथ 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। ये जो स्मार्टफोन काजरी के पास दो वेरिएंट पे आएगा, जो कि 6GB रैम 120GB मेमोरी, दूसरा होगा 8GB रैम 120GB मेमोरी। इसका रैम का क्वालिटी है LPDDR4X, मेमोरी का क्वालिटी है EMMC 5.1। और इसके साथ डेफिनेटली आपको मिलेगा 2+1 कार्ड स्लॉट। और मॉडर्न टाइम के बाकी सभी फ़ोन के जैसे इसमें आपको 5GB तक का वर्चुअल रैम का ऑप्शन मिलेगा। बैटरी में आपको मिलेगा 5000mAh बैटरी, 33W का चार्जर और कनेक्टिविटी होगा USB Type-C। तो इसके बाद आराम इसके कुछ बाकी फीचर की अगर बात करते, आपको इसे मिलेगा सिंगल स्पीकर, कोई भी डुअल स्टीरियो स्पीकर का ऑप्शन नहीं होगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm जैक और एंड्रॉयड 12 होगा आउट ऑफ द बॉक्स। तो अब जो सबसे मेन चीज़, कब लॉन्च होने वाला है, किस प्राइस में लॉन्च होने वाला है, तो देखिए एकदम कॉन्फर्म इन्फॉर्मेशन मिल चुका है। सितंबर के आखिर पे या फिर अक्टूबर के आसपास डेफिनेटली सबसे पहले इंडिया पे स्मार्टफोन लॉन्च हो जाएगा। और अगर हम इसके प्राइस के बारे में बात करें, तो देखिए इसका स्पेसिफिकेशन को देख के और मेरे सोर्स की तरफ से ऐसा मालूम चला है ये फोन एक्चुअली मोटरोला G22 का एक ऑल्टरनेट वर्जन के हिसाब से लॉन्च होगा। क्योंकि देखिए मोटरोला G22 में आपको बेटर क्वालिटी कैमरा मिल रहा है, तो इसमें आपको कैमरा थोड़ा सा लो मिलेगा। प्रोसेसर दोनों पे एग्जैक्टली सेम। मोटरोला G22 में रैम और रोम थोड़ा सा कम मिलेगा, इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। उसमें प्रोबेबली चार्जर आपको मिल रहा है 20W का, इसमें आपको मिलेगा 33W का चार्जर। और उस स्मार्टफोन का प्राइस नॉर्मल टाइम में प्रोबेबली 11,000 या फिर सेल के टाइम 10,000 रुपये। तो कहा जा रहा है कि ये जो फोन ये भी इंडिया पर लॉन्च होगा वही 10 या फिर 11,000 रुपये के आसपास। तो इसका मतलब कस्टमर के लिए एक्चुअली ये चॉइस होगा, अगर आपको बेटर क्वालिटी कैमरा चाहिए, सबसे कम प्राइस रेंज में चाहिए, तो आपको लेना पड़ेगा मोटरोला G22। लेकिन अगर आपको फास्टर चार्जिंग सिस्टम और स्लाइटली ज़्यादा रैम और स्टोरेज का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो आपको लेना पड़ेगा मोटरोला G72 4G वाला स्मार्टफोन। तो अभी हर वीडियो के जैसे इस वीडियो में आपको कहूंगा कि क्या ये जो स्मार्टफोन 10 से 11,000 रुपए पे आपको लेना चाहिए, ये पे दूसरा कोई फोन आपको लेना चाहिए। अब देखिए अगर ये जो फोन इंडिया पे लॉन्च होता 10,000 के नीचे, मतलब वही 9,500 के आसपास, तो मैं डेफिनेटली कहता आपको इसे 100% लेना चाहिए, क्योंकि 10,000 के नीचे के फोन के हिसाब से इसका जो स्पेसिफिकेशन मुझे ठीक ठाक लगा। लेकिन जैसे ही आपका बजट 10,000 से ज्यादा होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बजट होता है 11,000 रुपए, तो 11,000 रुपए पे इन्फिनिक्स नोट 12 ये फिर आपका जो टेक्नोपोबा 3 ये फिर कभी कभार उस प्राइस रेंज में आपको नार्जो 50 भी मिल जाता है वही 11,000 के आसपास। तो सेम प्राइस पॉइंट में ये जो अपकमिंग मोटरोला G72 इससे और भी ज़्यादा बेटर स्मार्टफोन ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इसलिए वीडियो का अगर मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, ये जो स्मार्टफोन जो लॉन्च होने वाला है अकॉर्डिंग टू लीक्स अगर 10,000 के नीचे, मतलब वही 9,500-10,000 पे लॉन्च होता है तो एकदम ठीक ठाक होगा। लेकिन अगर 10,000 से ज़्यादा, मतलब फॉर एग्जाम्पल 10,500 या फिर 11,000 पे लॉन्च होता है, तो इससे बेटर
दूसरा स्मार्टफोन ऑलरेडी इस प्राइस रेंज में अवेलेबल है। चलिए दूसरे ब्रांड की तरफ से मैं छोड़ ही देता हूँ, सेम प्राइस में अंदर मतलब वही 10-11 हज़ार के अंदर मोटरोला G31 नाम का स्मार्टफोन अवेलेबल है जिसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। तो प्रोबेबली वो वाला स्मार्टफोन इस मोटरोला G72 से डेफिनेटली बेटर होगा। तो अभी आप मुझे जो क्वेश्चन जरूर बताएं कि जो मोटरोला G72 जो लॉन्च होने वाला है वही 10-11 हज़ार रुपये के अंदर, तो क्या आप इस प्राइस पर इसे लेना चाहेंगे या फिर किसी दूसरा फोन आप लेना चाहेंगे, इसके बारे में मुझे क्वेश्चन कहना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।